गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना इंग्लिश का जो लेसन आपको लास्ट क्लास में रीड करने के लिए दिया गया था, आज उसको समझ लेते हैं, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, बुक के अंदर क्या क्या गिवन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। हम क्या नाम है इसका, एक पोएम है ये, क्या नाम है इसका? रन। आप सभी को पता है रन का मतलब क्या है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना। ठीक है, समझते हैं क्या है इस लेसन में और किसके बारे में है ये लेसन। ठीक है, चलिए। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन, रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीड द ट्रीज, रन लिटिल रेसिस विथ ईच लिटिल ब्रीज, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, then run back again, run and be merry all through the day, run to the country, away away। तो किसने लिखा है इस पोएम को? मैरी डॉन्टले। चलिए समझते हैं। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, ठीक है। देखिए पोएट क्या कह रहा है कि आप भागो दौड़ो सिटी से दूर अपने गाँव की तरफ, ठीक है, एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री, ठीक है, उजाले की ओर, रोशनी की ओर दौड़ो, आउट टू द कंट्री, आउट टू द कंट्री मतलब गांव की ओर, ठीक है, शहर से निकलो अपने गांव की ओर दौड़ो, तो मतलब अपने गांव की तरफ जाओ। रन इन द रेन ड्रॉप, रन नीड द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज, ठीक है। आप देखिए क्या कह रहा है वो, कि आप मौसम को एंजॉय करो, ट्रीज वहाँ के जाओ, वहाँ की बारिशों में घूमो, पेड़ों के नीचे खेलो, ठीक है, वहाँ की हवाओं को महसूस करो, ठीक है, उनके साथ खेलो, वहाँ रहो, महसूस करो, ठीक है, ये सब कहा जा रहा है इसमें। रन इन द रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंदें, रन नीड द ट्रीज मतलब अर्थ, ट्रीज मतलब उसके नीचे, ठीक है, पेड़ों के नीचे खेलो, घूमो, रेसिस भागो मतलब घूमो फिरो, हवाओं के साथ महसूस करो, खेलो हवाओं के साथ, ठीक है, ये सब कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन। जो क्या कह रहा है, पहाड़ों पे चढ़ो, ठीक है, पतले पतले पगडंडियों पे जाओ, घूमो उसमें, ठीक है, खेतों में घूमो, आओ घूमो, तो ये अपने गांव को घूमने की बात कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहाड़ों में घूमो, ठीक है, पगडंडियाँ होती है, खेतों में घूमो अपने, ठीक है, उसको महसूस करो, उसको फील करो अच्छे से, ठीक है। Run and be merry all through the day, run to the country, away away, run and be merry, भागो, merry का मतलब यहाँ पे है खुश रहना, ठीक है, भागो और खुश रहो, अपना पूरा दिन इस तरह से बिताओ कि पूरा दिन आप खुश रहो, ठीक है, गांव की तरफ जाओ, अपना दिन इस तरह बिताओ कि आप पूरा दिन खुश रहो, जो आपके मन में हो वो करो, ठीक है, महसूस वहाँ पे जो नेचर है, नेचर को एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है, शहरों से बाहर निकल के अपने खेतों की तरफ जाओ, गांव की तरफ जाओ, वहाँ पे दिन बिताओ, वहाँ को फील, वहाँ की जगहों को फील करो, ठीक है, तो ये सब कहा जा रहा है इसमें कि शहर से दूर अपने गांव की तरफ जाओ, उसमें घूमो फिरो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है, समझ में आए पोएम। इसमें जो पोएट है वो कहना चाहता है आपको कि आप शहर से निकल के थोड़ा गाँव में घूमो, एन्जॉय करो, नेचर को एन्जॉय करो, ठीक है, उसको फील करो, इस चीज के बारे में जो पोएट है वो फोर्स कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा। व्हाट डज द पोएट टेल अस टू डू, अब पोएट हमें क्या करने को कहता है बताइए, पोएट क्या करने को कहता है? पोएट आपको भागने के लिए कहता है, किसकी तरफ? अपने खेतों की तरफ, अपने गांव की तरफ, पहाड़ों पे चलो, घूमो, बारिश में खेलो, पेड़ों के नीचे बैठो, ठीक है, ये सब करने को पोएट कहता है। राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वॉन्ट्स टू रन, मतलब ये पोएट हमें कहाँ कहाँ जाने को कहता है? पोएट हमें कंट्री साइड, ठीक है, गांव में जाने के लिए कहता है, और क्या क्या कहता है देखो, ट्रीज के नीचे, हिल साइड, लेन, मिडोज, ठीक है, इन सब जगहों में जाने के लिए पोएट हमें कहता है। डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट, व्हाई, क्या आपको खेलना और दौड़ना पसंद है और क्यों? आप सभी को पता है, आप सभी को पसंद है, खेलना सभी को पसंद होता है, दौड़ना भी सभी को
पसंद होता है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको मजा आता है, आपको खुशी मिलती है इसमें, ठीक है, आप एंजॉय करते हैं इसे, इसलिए। रनिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज, नेम एनी थ्री गेम्स डेट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन, ठीक है। रनिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ऐसे तीन गेम्स के बारे में बताइए इसमें आपको भागना पड़ता है। तो फुटबॉल में आपको भागना पड़ता है, हॉकी में भी आपको भागना पड़ता है, ठीक है, क्रिकेट में भी भागना पड़ता है आपको, ठीक है। वेन यू रन फास्ट वट डू यू फील इज हैपनिंग टू योर बॉडी, जब आप तेजी से भागते हैं तो आपको बॉडी पे क्या महसूस होता है कि आपकी बॉडी को क्या हो रहा है? जब भी आप तेजी से भागते हैं आपको लगता है कि सब चीज पीछे की तरफ जा रही है, आपके ऊपर तेजी से हवा लगती है, आप हवा फील करते हैं, ठंडी ठंडी हवा फील करते हैं अपनी बॉडी पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। से अलाउड, जोर से बोलना है इन वर्ड्स को, बीनीथ, ब्रीज, मीट, फियर, ईच, मिडो। लेट्स स्पेल, सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, ये इनकम्प्लीट हैं, पूरे नहीं है, इसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, ठीक है, इसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, आपको कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को, या तो डबल ई लगा के या फिर ई ए लगा के। तो बताइए सबसे पहले क्या बनेगा, ट्री, तो इसमें क्या आएगा, डबल ई। उसके बाद बनेगा प्लीज, पी एल ई ए एस ई, ये क्या बनेगा, टीज, टी डबल ई एस ई, ये क्या बनेगा, टीज, टी ई ए सी एच, टीज। स्लीप, ठीक है, एस एल डबल ई पी, बीप, बी डबल ई पी, फीट, एफ डबल ई टी, मीट, एम डबल ई टी, या एम ई ए टी भी हो सकता है ये वाला, ठीक है। नाउ एड मोर वर्ड्स विद ई एंड ए ई एंड पुट देम इनसाइड द बबल, ठीक है, आपको और वर्ड्स बताने हैं जिसमें डबल ई आता हो और सिंग ई ए आता हो, ठीक है। कौन कौन से वर्ड होते हैं डबल ई वाले, चलिए पहले ई ए वाले कर लेते हैं, चीट, मीट, ग्रीट, ठीक है। डबल ई वाले वर्ड देखते हैं कौन कौन से हैं, डबल ई वाले कौन कौन से वर्ड है, शीप, ठीक है, शीप के बाद हो गया डीप, डीप के बाद और क्या हो सकता है, क्रीप, ठीक है, इन सब में डबल ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स लिसन, से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको ये एक्टिविटी है, आप पढ़ सकते हैं इसको, कर सकते हैं घर में बैठे। पहले बोले शोल्डर्स, शोल्डर्स बोलते ही आपको अपने शोल्डर्स ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करने हैं, ठीक है। उसके बाद फीट, फीट पैर होते हैं, तो आपको आगे चलना है पीछे चलना है, आगे चलना है पीछे चलना है। रन, आपको तेज दौड़ना है धीरे दौड़ना है, ठीक है। हैंड्स, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, हैंड्स लेफ्ट राइट, ठीक है, हैंड्स। नाउ जंप, हॉप, मार्च एंड टिप टिप टो, अब देखिए आप कूदिए, कूदना है, मार्च करना है, चलना है और टिप टो करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑन द अपोजिट पेज, ठीक है। दूसरे वाले पेज पे आपको पिक्चर्स दे रखी हैं सामने वाले पेज पे, ठीक है, उसमें से कुछ एक क्वेश्चन है आपको उनके आंसर बताने हैं। व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन द पिक्चर फोर, और देखते हैं पिक्चर फोर में क्या हो रहा है। पिक्चर फोर देखिए, मोहन क्या कर रहा है, मोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, हाई जंप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मोहन, ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप, ठीक है। व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर थ्री, अनिल और उसके दोस्त पिक्चर थ्री में क्या पुल कर रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, चलिए देखते हैं। पिक्चर थ्री में देखिए बच्चे रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है, तो रस्सी को क्या कहते हैं, रोप। तो क्या आएगा इसका आंसर, अनिल एंड हिज फ्रेंड्स आर पुलिंग रोप, ठीक है, क्लियर, समझ में आया आप सभी को। चलिए थर्ड, वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर टू, पिक्चर टू की जो बोट्स है वो कहाँ रेस कर रही हैं, पानी में, रिवर में, तो बोट्स आर रेसिंग इन द रिवर। चलिए अगला, व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर वन, अब पिक्चर वन में क्या कर रहे हैं बॉयज, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या आएगा, बॉयज आर रेसिंग
बॉयज आर रेसिंग इन द पिक्चर वन, ठीक है। वट आर द गर्ल्स डूइंग इन द पिक्चर सिक्स, अब पिक्चर सिक्स देखते हैं। पिक्चर सिक्स में गर्ल्स क्या कर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं, तो दे आर स्विमिंग, ठीक है। हो गया इसके आंसर, क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर, राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर, यूज हाउ मैनी, वट आर, वेयर आर, इज हाउ, वाई टू मेक क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो हमने क्वेश्चन दिए गए थे, उनके आंसर लिख दिए। आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स के नीचे एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है इन पिक्चर्स से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चे भाग रहे हैं, तो क्या पिक्चर बन सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है इसका, इसका क्वेश्चन हो सकता है हाउ मैनी बॉयज आर रनिंग, ठीक है। हाउ मैनी बॉयज आर रनिंग, इसका हो गया वन। सेकेंड, सेकेंड पिक्चर में देखो बोट रेस हो रही है, तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, वॉट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, पिक्चर में क्या हो रहा है, ठीक है। पिक्चर में बोट रेस हो रही है, तो इसका क्वेश्चन बना दिया हमने कि वॉट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। अब हम थर्ड में देखिए रस्सा खींच रहे हैं बच्चे, तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, विच स्पोर्ट्स आर दीज बॉयज प्लेइंग, ठीक है। ये बच्चे कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो ये कौन सा स्पोर्ट्स है, टग ऑफ वॉर है, ठीक है। इसका नाम होता है टग ऑफ वॉर। तो क्वेश्चन क्या बना, विच स्पोर्ट्स आर दीज बॉयज प्लेइंग, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं, चलो फोर्थ पिक्चर में क्या हो रहा है, एक बच्चा है जो कि एक डंडे के ऊपर से कूद रहा है, ठीक है। तो इसके क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है विच स्पोर्ट्स इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर, ठीक है। पिक्चर में कौन सा स्पोर्ट्स दर्शाया गया है, विच स्पोर्ट्स इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर, ठीक है। चलिए आगे, इसका क्या बन सकता है, वॉट इज द गर्ल डूइंग, ठीक है। लड़की क्या कर रही है, ठीक है, वॉट इज द गर्ल डूइंग, ठीक है। तो क्या कर रही है, वो जंप लगा रही है स्विमिंग पूल में, ठीक है। चलिए सिक्स, हाउ मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, पोयम ये वाली हमारी, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग है, जो भी मैंने बुक में आपको काम बताया वो आप कर लीजिएगा इसका, ठीक है। जो इसका काम है, जो इंग्लिश का हमारा काम है, मैं आपको एक साथ एक दिन में कंप्लीट करा दूंगा किसी दिन, ठीक है। इसी वीक में मैं आपको दो तीन लेसन के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर की लिख के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा उसको। अभी आपको ये बुक में काम कंप्लीट करना है, जो मैंने आपको काम अभी कराया, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, काम क्या करना है आज का, इसको जल्दी से कंप्लीट करिए, बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है आपको बस, ठीक है। और उसकी फोटो क्लिक करके भेजनी है। तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप काम नहीं करेंगे तो आपकी कोई क्लास भी नहीं होगी, ठीक है। आप ऐसे ही बैठी रहिए, जो जो बच्चे काम कर रहे हैं मैं उसको अलग से ग्रुप में, अलग से उनको मैसेज में काम भेज दूंगा, ग्रुप में मैं कुछ काम नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप लोग काम ही नहीं कर रहे हैं ग्रुप में, इसलिए आपको कोई काम नहीं भेजूंगा मैं, ठीक है। पहले कल का काम करिए, फिर आज का काम मिलेगा आपको, ठीक है। आई बात समझ में, जल्दी से काम कंप्लीट करिए, पिक्चर सेंड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो हमारी आपको मैसेज मिल जाए, ठीक है। जल्दी से काम कंप्लीट करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।